मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एनसीबी की कार्रवाई को लेकर के इस वक्त बड़ी खबर, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से लगातार पूछताछ चल रही, क्योंकि आर्यन खान का फोन भी जो है अब एनसीबी ने जब्त कर लिया है। चैट खंगाली जा रही है, कॉल डिटेल्स जो है वो पूरी तरीके से खंगाली जा रही है। मुंबई से गोवा जा रही थी क्रूज, जिसमें ये पार्टी चल रही थी, और एनसीबी को ये डेटा मिला था कि ड्रग्स पार्टी है, जिसके तहत एनसीबी की जो टीम के मेंबर्स हैं वो एज अ गेस्ट जो है इस पार्टी में शामिल हुए, जिसके बाद इस पूरे मामले का उन्होंने भंडाफोड़ किया। सबसे अहम बात है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से पूछताछ की जा रही है, उनका फोन जो है एनसीबी ने जब्त कर लिया है। इसके साथ ही जो बाकी लोग वहाँ पर पकड़े गए हैं उन लोगों के भी फोन जब्त किए गए हैं। क्रू मेंबर्स से पूछताछ की जा रही है, जो मालिक है उस क्रू का उससे पूछताछ की जा रही है, और पूरी डिटेल के साथ उनके फोन जब्त किए गए हैं, ताकि उनके कॉल्स, उनकी चैट्स, उनके मैसेजेस सब चेक किए जा सके। मीडिया के द्वारा ही ये पता चला है कि एनसीबी ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई हाई सीज में की है। वहाँ पर एक शिप के ऊपर बड़े पैमाने पर पार्टी चल रही थी, और जिसमें ड्रग्स भी थे, और उन सबको वहाँ पर रोका गया है, और एनसीबी ने बड़े ही एक गुप्त तरीके से ये सारी कार्रवाई की। इसके बाकी डिटेल्स आए नहीं है, वहाँ कौन है कौन नहीं है ये उस पर अटकलें लगाना भी ठीक नहीं। जैसे वो सब सत्यप्रकाश सोनी मेरे साथ संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आ चुका, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि यकीनन एनसीबी की कार्रवाई काबिल तारीफ है, लेकिन किसी के नाम पर भी अभी जल्दी से कोई बयान दे देना गलत माना जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एनसीबी ने कार्रवाई किया, ऐसे में पूरे मुंबई महाराष्ट्र में ये देखा जा रहा है कि एनसीबी लगातार अब सक्रिय हो गई है। हालांकि एनसीबी ने जो गिरफ्तारियां दिखाई है, 8 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई है, जिसमें सुपरस्टार शाहरुख खान के लड़के सर आर्यन खान का भी नाम शामिल है। अब ऐसे में तमाम बॉलीवुड के अलावा राजनीतिक गलियारों में तमाम जो बड़े नेता उनके भी लड़के की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। हालांकि एनसीबी ने उनका नाम जाहिर नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि कई और लोग इसमें शामिल है, खासकर राजनीति से जुड़े हुए तमाम लोग हैं। तो जाहिर तौर पर यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि एनसीबी की बहुत बड़ी कार्रवाई है, कई करोड़ के ड्रग्स भी बरामद किए गए। इसके अलावा जो मोरस था पार्टी करने का, रेव पार्टी का, वो भी खुलासा हुआ है। सत्यप्रकाश जी, मॉडलिंग जगत से, बिजनेस जगत से भी कई लोगों के बच्चे जो थे इस पूरी पार्टी में शामिल थे, इनके मोबाइल भी जब्त किए गए हैं एनसीबी की तरफ से, क्या अभी तक कोई डेटा निकल पाया है कि या जानकारी आपके पास हो कि इस बारे में क्या पहले से प्लानिंग की गई थी, अभी तक कोई खुलासा और हुआ इस मामले में? बिल्कुल, देखिए एनसीबी को पहले ये अंदेशा था कि रेव पार्टी जो होती है पहले मुंबई के बड़े बड़े 5-स्टार होटलों में होती थी, लेकिन अब एनसीबी का लगातार होटलों में शिकंजा कसा जा रहा है। जिस तरह से आपने पिछले दिनों देखा कि बांद्रा और वर्ली में जो 5-स्टार होटल के मालिक की गिरफ्तारी हो गई थी, उसमें मालूम पड़ा था कि सुशांत सिंह राजपूत के बेहद करीबी थे, रिया चक्रवर्ती के बेहद करीबी थे, उसके बाद से लगातार होटलों में पार्टियां बंद कर दी गई। लिहाजा मुंबई के समुन्द्र में जिस तरह से रेव पार्टी की जाती है, इसकी जानकारी एनसीबी को मिली थी। एनसीबी ने इसी जानकारी के आधार पर कार्रवाई की है। जितने लोगों को अब तक एनसीबी ने हिरासत में लिया है या गिरफ्तार किया है, उनके मोबाइल फोन और उनके जो तमाम डेटा थे वो डिलीट कर लिया है। लिहाजा क्योंकि पकड़े जाने के बाद तुरंत इनमें से काफी लोगों ने अपना डेटा डिलीट कर दिया, लेकिन एनसीबी से जानकारी मिली थी कि जो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, दिल्ली की एक बड़ी कंपनी थी इंप्रेशन, उसके द्वारा की गई थी। उस कंपनी के द्वारा ये बताया गया कि हर शख्स का 80,000 रुपए फी लगेंगे एक दिन का, यानी कि 3 दिन वहां अगर ठहरना है तो आपको 2,40,000 पे करना होगा। इसके अलावा एनसीबी ने यह भी जानकारी निकाली है कि जो ड्रग्स बरामद किए गए वो सबके अपने इंडिविजुअल यूज के तौर पर किया गया है, नहीं कि कमर्शियल बेसिस पर। जाहिर तौर पर यह जानकारी खुल के सामने आ रही है कि जितने लोग वहां ड्रग्स क्रूज में गए थे ड्रग्स पार्टी बनाने के लिए, रेव पार्टी बनाने के लिए, उसमें वो सारे के सारे लोग अपना अपना ड्रग्स लेके गए थे, जिसको जो किसी को कोकीन चाहिए, किसी को हसीस चाहिए, किसी को एमडी चाहिए, तो सारे ड्रग्स की जो अलग अलग क्वालिटीज होती है वो सारी चीजें लोग अपने साथ लेके गए थे। लेकिन सबसे बड़ा अहम मॉडल इसमें यह पता लगा है कि जो लोग ड्रग्स लेकर गए थे, कोई अपने पैंट की नींद में लेके गए थे, तो कोई अपने पॉकेट में सिरे हुए धागे के तौर पे लेके गए थे। तो तमाम तरह के अलग अलग मॉडल एनसीबी को मिले कि किस तरह से ड्रग्स का जो खेप जो है कहीं कहीं उस क्रूज में पहुंचाया गया है, और उसके जो है खिलाफ कहीं एनसीबी कर रही है। लेकिन जिन लोगों को एनसीबी ने
अब तक गिना किया है, काफी लोगों को समन भी दे दिया गया है, उनकी जो पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लिहाजा अब जिस तरह से नाम खुलकर एनसीबी ने ले लिया है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी हो गई है, उनके मोबाइल फोन से ले लिया गया है, उनके तमाम जो दोस्त लोग हैं उनका भी फोन से ले लिया गया है, तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में काफी और बड़े अहम खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल धन्यवाद सत्यप्रकाश मिश्रा जुड़ने के लिए। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़े थे, जानकारी उन्होंने आप तक पहुंचाई कि किस तरीके से कई नाम जो है सामने आए हैं। माना जा रहा है कि बड़े बड़े राजनेताओं के भी बच्चे जो हैं इस पार्टी में शामिल थे। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की हर खबर की हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर। अब एएनबी न्यूज जीओटी मोबी ऐप एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी इंस्टाग्राम ट्विटर गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज आपकी बुलंद आवाज आपकी बात।